हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल। लेकिन आज के पॉलिनोमियल में कुछ खास है। वो खास क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो खास है क्वेश्चन मार्क। अभी क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है? इस क्वेश्चन मार्क को अगर हम डीप में देखें तो ये हो सकता है हाउ, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है वाई। हमने क्लास 9 में पॉलिनोमियल को कुछ स्टडी किया है, वहाँ पे हमने व्हाट की फॉर्म स्टडी की है, हमने कुछ हाउ की फॉर्म स्टडी की है। बट क्लास 10 तक आते आते हमें ये मालूम होना चाहिए कि पॉलिनोमियल को हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट का आंसर, हाउ का आंसर, एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाई का आंसर। चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम स्टडी कर रहे हैं पॉलिनोमियल का व्हाट पार्ट। व्हाट मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इसको हम डिटेल में स्टडी करें तो वो क्या है पॉलिनोमियल, क्या है, हम उसमें वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स के साथ। और ये कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एडिशन, हमें चाहिए सब्ट्रैक्शन, हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन हम लेते नहीं हैं, क्योंकि अगर हमने डिवीजन लिया तो वेरिएबल जाएगा हमारा डिनोमिनेटर साइड, और उसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। और किसी भी पॉलिनोमियल के केस में हमारे जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा है, 10th में हम अभी भी पढ़ रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल का व्हाट का वर्जन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? इसके साथ अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल को कंसीडर करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल वेयर इट इज़ कैरिंग थ्री टर्म्स। यहाँ पे ये ट्राइनोमियल है थ्री टर्म्स का, और जो डिग्री है यहाँ पे 2, क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं हम हाउ इज़ पॉलिनोमियल। हाउ इज़ पॉलिनोमियल मीन्स हाउ डज अ पॉलिनोमियल लुक लाइक, पॉलिनोमियल दिखता कैसे। पॉलिनोमियल में हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं और इन टर्म्स के अकॉर्डिंगली हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं। अगर हमारे पास सपोज़ ये वाली टर्म है, दैट मीन्स a0 मीन्स द टर्म विच इज़ नॉट हैविंग एनी वेरिएबल इन दैट। ऐसा होता नहीं है, वेरिएबल होता है लेकिन वहाँ पर हम पावर को ज़ीरो लेते हैं, और किसी वेरिएबल की पावर ज़ीरो होती है तो वो 1 कंसिडर होगा। a यहाँ पर हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट है। बट अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें तो x की पावर यहाँ 1 हो जाएगी। x की पावर अगर 1 हो जाएगी तो उसके साथ हमारे पास 2 यहाँ पे टर्म्स कंसीडर हो जाएगी, एक x के साथ और एक x रेज टू द पावर 0 के साथ। इस तरह हमारी पॉलिनोमियल की जो फॉर्म है वो इंक्रीज होती चली जाती है। इट कैन कैरी n नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन ये सारे टर्म्स फाइनाइट होती है, काउंटेबल होती है, बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। और इन्हीं के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हम वेरिएबल की पावर से इसको क्लासीफाई करते हैं कि अगर हमारी पावर जो है मैक्सिमम में 2 आ जाती है वो क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम में 1 आ जाती है तो लीनियर है, मैक्सिमम में 0 आ जाती है कॉन्स्टेंट है, उधर की साइड मैक्सिमम में 3 आती है तो क्यूबिक, इस तरह से हमारा चलता जाता है। ये हम तो डिस्कस करते ही रहते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ। जो मेन मेरा यहाँ पे इस वीडियो में जो कंसेप्ट आपको लेकर जाना है वो है ऑल अबाउट व्हाई आर वी लर्निंग पॉलिनोमियल। तो उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, वो क्या है। तो यहां पर हमें आंसर मिलता है उस वाई का। वो वाई क्या है? वाई का मतलब कि पॉलिनोमियल क्या है वो हमने स्टडी किया, पॉलिनोमियल कैसे हमने डील करना है वो स्टडी किया। मेन जो इंपॉर्टेंट है कि हमें पॉलिनोमियल पढ़ना क्यों है। पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए हमें रियल लाइफ एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, हम काफ़ी टाइम से अपनी रियल लाइफ में पॉलिनोमियल को यूज़ करते आए हैं जाने अनजाने, लेकिन हमें पता नहीं लगा है। तो उसको अब हम रिलेट करते हैं। सपोज़ आप मार्केट में गए हो, एक शॉप में गए हो, कपड़ा मार्केट में गए हो, आपको एक कपड़ा खरीदना है, तो आप शॉपकीपर से क्या कहोगे कि ये कपड़े का रेट क्या है? और उस शॉपकीपर ने बोला कि इस कपड़े का रेट सपोज ₹40 है। सो अगर वो ₹40 है तो वो क्या बोलेगा? ₹40 वो उसका पर मीटर होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना कपड़ा खरीदना है, आपने 2 मीटर खरीदना है या 4 मीटर खरीदना है, जितना भी खरीदना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बनाऊँ तो 40 तो इसका अमाउंट सेम रहेगा। क्या चीज़ है जो सेम नहीं रहेगी, क्या चीज़ है जो कस्टमर पे डिपेंड करेगी, वो है कि उसको कितने लेंथ का कपड़ा खरीदना है। तो सपोज़ अगर वो चीज़ को मैं यहाँ पर एक वेरिएबल मान लूँ ए, या फिर कोई और वेरिएबल एक्स मान लूँ,
और उस x की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 40x हो या ये 40a हो, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे वेरिएबल चाहे x हो या a हो, हमने पावर कितनी रखी है, कोई पावर नहीं दिख रही तो पावर 1 है। तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है हमारा लीनियर। एक चीज़ और हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, आपने बहुत बार टैक्सी भी हायर की होगी, अपने पेरेंट्स के साथ आप टैक्सी में कहीं घूमने गए होंगे, तो अगर टैक्सी का हम अमाउंट की बात करें तो टैक्सी वाला हमेशा अपना जो रेट है वो इस तरह से बोलता है कि फर्स्ट किलोमीटर का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और बाकी का थोड़ा कम रहेगा। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर हमारा रेट रहता है फर्स्ट किलोमीटर का, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ₹8, और वो बोलता है कि बाकी जितने भी हैं रिमेनिंग जो हमारा डिस्टेंस होगा उसका रुपीज़ है 5। जितना भी डिस्टेंस कवर होगा उन सब का तो रुपीज़ 5 है, लेकिन फर्स्ट का जो डिस्टेंस जो हमारा कवर हो रहा है फर्स्ट किलोमीटर का, उसका कितना रेट है, ₹8। अब यहाँ पे मुझे अगर फेयर कैलकुलेट करना होगा तो फेयर कैसे कैलकुलेट होगा, पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, 8 और 5 का डिफरेंस कितना है, उसका डिफरेंस है 3। मतलब अगर मैं फर्स्ट किलोमीटर को भी ₹5 कंसिडर कर लूँ तो टोटल कितना होगा, सपोज द पर्सन हैज़ टू ट्रेवल एक्स किलोमीटर, तो उसका रेट कितना होगा, 5x फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जिसमें फर्स्ट किलोमीटर भी आ रहा है, लेकिन फर्स्ट किलोमीटर में ₹3 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो वो हम लास्ट में कर देंगे। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से एक पॉलिनोमियल है जो हम अपनी रियल लाइफ में स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ा खरीदना हो या टैक्सी में कहीं जाना हो या फिर हमें कोई बुक्स परचेज करनी हो, नंबर ऑफ बुक्स परचेज करनी हो, तो भी हमारा यही कैलकुलेट होता है। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो और एग्जांपल क्या है, सपोज़ मुझे एक रूम में वॉल को पेंट करना है, तो पेंट कहाँ होता है, पेंट रूम के अंदर तो नहीं होता, पेंट होगा उसकी दीवारों पर, और दीवारों की जो हमारी डायमेंशंस होती हैं उनकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। एक पर्टिकुलर रूम में हम अगर वॉल को कंसीडर करें तो हमारी टू वॉल्स की डायमेंशन होती है ब्रेथ इनटू हाइट, और जो रिमेनिंग टू वॉल्स है उनकी जो डायमेंशन होती है वो लेंथ इनटू हाइट होती है। तो टोटल कितने रेक्टेंगल हुए रूम में, टोटल रेक्टेंगल हुए 4। तो उनमें एरिया अगर कंसीडर करूँ तो क्या होगा, एक वॉल का होगा LH, उसकी ऑपोजिट वॉल का भी होगा LH, उसके साथ वाली वॉल का होगा BH और उसकी ऑपोजिट का होगा BH। ये सारी 4 वॉल्स का एरिया आ गया जिसके ऊपर पेंट होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे 2 क्वांटिटी हैं पॉलिनोमियल में, अगर 2 क्वांटिटी एक साथ आ जाती है तो वो स्क्वायर में, मतलब कि उसकी पावर 2 में कंसीडर होती है। तो ये सबकी हमारी पावर जो है वो 2 में कंसीडर होगी, ओवरऑल ये पॉलिनोमियल बन जाती है जिसकी पावर मैक्सिमम 2, मतलब ये डिग्री 2। तो ये भी एक हमारी पॉलिनोमियल है, हमें इसको यहाँ पे एस्टिमेट करना है कि पेंट को करने का कितना अमाउंट आएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा पर एरिया पर यूनिट एरिया कॉस्ट है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी हमारा क्या है, एक रियल लाइफ एग्जांपल है जहाँ पे हम डील करते हैं डिफरेंट नंबर्स के साथ, कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट नंबर्स, और ये फॉर्म जो बन जाती है वो किसकी फॉर्म बनती है, पॉलिनोमियल की फॉर्म बनती है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँ तो वो किस तरह से दिखेंगी, वो इस तरह से दिखेंगी। ये हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं जहाँ पे पॉलिनोमियल यूज़ होंगे। स्टार्ट करें कैलकुलस, कैलकुलेशंस करते हैं हम, डिफरेंट फॉर्मूला बनाते हैं। मेंसुरेशन इज़ ऑल अबाउट वेयर वी आर डीलिंग विद डिफरेंट शेप्स, 3D शेप्स, जहाँ पर हम एरिया निकालेंगे, वहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे। आपको याद होगा अगर हमें किसी सिलेंडर में कोई लिक्विड अगर उसके अंदर डालना है तो वहाँ पे वॉल्यूम कंसीडर होगा। सिलेंडर का आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला तो याद होगा, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमारा कांस्टेंट है, आर हमारा स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स हमारा रेडियस है, एक बार हाइट है। तो ये तीनों मिलके हमें जो पावर देगा, जो डिग्री देगा, वो 3, मतलब वॉल्यूम के केस में जो पॉलिनोमियल बनने वाली है वो बनने वाली है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखने में चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, क्यूबिक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिंपल फॉर्मूलाज हैं जो पॉलिनोमियल की फॉर्म को ले लेते हैं। आगे हम डिस्कस करें न्यूमेरिकल एनालिसिस है हमारे किसी भी फील्ड में, हमें कोई भी चीज़ न्यूमेरिकली डिस्कस करनी है, फॉर्मूला बनाना है, तो वो फाइनली जो फॉर्म लेगा, जो वहाँ पे फंक्शन हमारा क्रिएट होगा, वो पॉलिनोमियल का होगा। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमने 2 लिक्विड को ऐड करना है, कितने अमाउंट में ऐड करना है, उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, वो भी हमारे डिफरेंट पावर्स पे और डिफरेंट नंबर पे और डिफरेंट वेरिएबल पे ही डिपेंड करता है। आगे हम चलें फिजिक्स में, फिजिक्स में हमारे डिफरेंट लॉज हैं, उन लॉज में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेगा, वो भी पॉलिनोमियल का ही एक फॉर्म है।
आगे हम बात करें बायो में, बायो में भी हम डिफरेंट फॉर्मूलाज को स्टडी करते हैं, तो उन फॉर्मूला में हर एक अगर सेल की बात करते हैं तो उसका कितना अमाउंट हमने मैग्नीफाई करना है, उसमें भी हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो पॉलिनोमियल की फॉर्म लेगा। और आगे चलें इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे हम कैश से डील करते हैं, हम टैक्स से डील करते हैं, उनके लिए भी जो फॉर्मूला फॉर्मेशन है वो भी क्या है, पॉलिनोमियल की फॉर्म है। आगे चलते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोलर कोस्टर एंड ब्रिजेस। आपने बहुत सारे रोलर कोस्टर देखे हैं, ब्रिजेस देखे हैं, उनमें जो शेप्स बन रही है, जो कर्व बन रहे हैं, उस कर्व को बनाने में पॉलिनोमियल का ही बड़ा हाथ है। सिंस पॉलिनोमियल आर यूज टू डिस्क्राइब कर्व्स, हमने पॉलिनोमियल के डिफरेंट कर्व्स पढ़े, अगर आपको याद होगा, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो वो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर हम एक पैराबोला की बात करते हैं तो वो हमारा क्वाड्रेटिक है, और अगर हम और टर्न्स लेते जाएं तो वो क्यूबिक की फॉर्म बनेगा, डिफरेंट कर्व्स बनेंगे। तो ये कर्व्स का यूज है कहां पे, उसका मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी। द एग्जाम्पल, इंजीनियर्स यूज पॉलिनोमियल टू ग्राफ द कर्व्स ऑफ, द एग्जाम्पल इज रोलर कोस्टर्स एंड ब्रिजेस। रोलर कोस्टर की क्या शेप आनी चाहिए, वो कितनी हाइट पे जाके वो उसको फॉल देना है, या फिर ब्रिज है उसको कितनी हाइट पे जाके अपनी शेप लेनी है, उसके लिए भी पॉलिनोमियल फॉर्म होती है। उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रोलर कोस्टर की एक इक्वेशन यहाँ पर दिखाई गई है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू द पावर 6, देन बी एक्स रेज टू द पावर 5, प्लस सी एक्स रेज टू द पावर 4, प्लस डी एंड सो ऑन। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी कॉन्स्टेंट्स हैं और यहाँ पर एक्स डिफरेंट पावर के साथ वेरिएबल है। यहाँ पर एक्स नहीं दिख रहा, मतलब एक्स की पावर 0 है, जो यहाँ पे 1 का फॉर्म लेगा। तो इन ए बी सी डी ई एफ जी एच में अगर कॉन्स्टेंट में वैल्यू पुट कर दी जाए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे पुट किया गया, ये एग्जाम्पल ये कॉन्स्टेंट अगर पुट कर दिए जाए और ग्राफ बनाया जाए, तो इट विल टेक द शेप ऑफ दिस ग्राफ। और यहाँ से कहीं ना कहीं हमें आइडिया हो रहा है कि एक रोलर कोस्टर का ग्राफ है। सो इन दिस वे पॉलिनोमियल इज वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोलर कोस्टर, सेम ये ब्रिज के फॉर्मेशन, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में भी वर्क करेगा। आगे हम चलें स्टॉक मार्केट, इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, उन्हें क्या करना है, लोन कैलकुलेट करना है, उन्हें क्या करना है, कंपनी की कितनी ग्रोथ है, उन्हें क्या करना है, टैक्स एंड इकोनॉमिक कैलकुलेशंस करनी, इनके ऊपर भी डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर्म किए जाते हैं, और वो सारे फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फिज़िक्स में हम बात करें, फिज़िक्स में हमारे डिफरेंट ये जितने भी मोशन के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका स्पीड, इनका डिस्टेंस और इनका कितना टाइम, ये सब कैलकुलेट होगा अगेन विद द हेल्प ऑफ पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल कहीं ना कहीं हर फील्ड में एसोसिएटेड है फॉर्मूला फॉर्म करने में और उनके लिए आइडिया क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें केमिस्ट्री में, गैस लॉ बहुत ही कॉमन है, हमने पढ़ा हुआ है, तो अगर इस लॉ की बात करें तो इट इज़ इक्वल टू NRT, वेयर एन इज़ द मोल काउंट, आर इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो रहा है, अगेन इट इज़ टेकिंग द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ये भी कॉमनली यूज फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, जो डील करता है VIR, जहाँ पे V का मतलब है वोल्टेज, I का मतलब है करंट और R का मतलब है रेजिस्टेंस। तो इन तीनों को रिलेट करने के लिए जो फॉर्मूला बना, कहीं ना कहीं ये भी एक पॉलिनोमियल की फॉर्म ले रहे हैं। सो जो भी फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिलेट करता है, और वो क्या है, हमारा पॉलिनोमियल। आगे हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर में हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें बात करनी है नर्सिंग की, साइकेट्रिक की, होम हेल्थ की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें फर्दर कंसेप्ट यूज़ करना है पॉलिनोमियल का। कैसे कंसेप्ट यूज़ करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पेशेंट को हमने मेडिसिन देनी है, मेडिसिन में डिफरेंट ड्रग्स ऐड होते हैं, वो ड्रग्स का कितना कॉन्सेंट्रेशन पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉलिनोमियल से ही डिसाइड होगा। और एक पॉलिनोमियल एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे दिख रही है, सी इज़ इक्वल टू -0.05 t² प्लस 2t + 2, जहाँ पर -0.05 कॉन्स्टेंट है, टी वी आर टेकिंग फॉर द टाइम एंड द टाइम इज एक्टिंग एज वेरिएबल। तो स्क्वायर में भी है, पावर 1 में भी है, 2 के साथ विजिबल नहीं है, पावर 0 है, तो अगेन इट इज़ टेकिंग द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो मेडिकल में भी इसका यूज़ देखा जा सकता है। और एक और यूज़ की बात करें तो वेट ऑफ पेशेंट, जनरली पेशेंट जब सिक होता है तो उसका जो वेट है वेरी करता है, तो उस वेट को हम डिफरेंट वीक का साथ रिलेट करके कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक वो फॉर्मूला है जहाँ पे देखा जा रहा है, W इज वेट एंड N इज़ द नंबर ऑफ वीक्स सिंस द पेशेंट इज इल। तो यहाँ पर एक और पॉलिनोमियल शो किया जा रहा है, 0.1 n³ - 0.6 n² + 65।
65 पेशेंट का इनिशियल अगर वेट होगा, उसके बाद डिफरेंट वीक से उसमें क्या चेंजेस आए होंगे, वो सारा यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो ये था हमारे पॉलिनोमियल के सबसे क्यूरियस पार्ट का आंसर, वो पार्ट था वाई। तो जब हमारा वाई पार्ट क्लियर हो चुका है तो हम इजीली पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल एंड हाउ द डिफरेंट ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशन इन पॉलिनोमियल कैन बी डन। तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई वहीं करेंगे। तब तक के लिए सी यू, और मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में।